हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के गिसाऊ स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने होमवर्क में दिया था, तो चलिए कहते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपने इसके ऑप्शन देखे ही होंगे, आप सभी ने देखे हैं। इसके सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो अल्फ़ाबेट में है ना, तो आपको अल्फ़ाबेट से मतलब है, केवल गिनती से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ई आपका 5 पर, क्यू आपका 17 पर और जेड आपका 26 पर। यहाँ पर जब अंतर देखेंगे कितना का है, 9 का। तो ये अब यहाँ पर अंतर कितने का करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर अंतर कितने का होगा, तो हिसाब से अपन मान लेते हैं यहाँ पर 5 का अंतर मान लेते हैं। यहाँ पर तो 5 और 5 कितना होगा, कितना होगा 10, और 10 और 7 कितना होगा 17, ठीक है। सीरीज बन रही है 5 7 9, तो अब 11 का अंतर, 11 इसमें जुड़ेंगे 26 में, कितना होगा 37। अब 37 पे तो ए बी सी डी खत्म, तो यहाँ पर कितना होगा 11 होगा ना। तो यही है, 10 पर यहाँ क्या होगा जे और 11 पर यहाँ के। तो इस प्रकार से अपनी सीरीज सही हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया ना होमवर्क वाला प्रश्न, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा, किसी सांकेतिक भाषा में सूप, SOUP, सूप को लिखा जाता है QMRSXNS। तो क्यू, अब भैया इसमें 4 लेटर से 8 लेटर बन रहे हैं, तो मतलब 1 लेटर से 2 लेटर बनना है, यानी अपन शुरुआती के देखते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए SOUP, ठीक है। तो एस से क्या बनेगा आपका, क्यू और भी, यानी S19 पे, Q17 पर और V22 पर। 19 से 17 -2, और आपका 19 से 22 +3, इसी प्रकार ओ का देखेंगे। MR, ओ होता है 15 पर, M 13 पर, 18 पर, तो -2 +3, -2 +3 की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार मोस्ट का देखेंगे, MOST, M से M 13 पर होगा, -2 करेंगे तो क्या आएगा, K 11 आएगा ना, और यहाँ 3 जुड़ेंगे तो 16, यानी KP, यानी KP से ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन कट जाएगा। अब ओ का लिखेंगे आप, वो होता है आपका 15 पर, तो MR होगा, तो ये इसमें MS है, तो ये भी कट गया, MR होगा ना, MR। अब S का देखेंगे आप, तो S का यहाँ QB लिखा है, देखो पहले ही लिखा है QB, यानी QB किस में है, इस वाले ऑप्शन में है ना, तो B कट जाएगा आपका, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं ऑप्शन से सॉल्व करना, थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इरा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ कितने का अंतर होना चाहिए, ये पता नहीं, यहाँ से यहाँ ये भी पता नहीं। अब इससे ए तो पता लगा सकते हैं आप, आई से बी आए तो कितना होगा -7, तो ये -7 हुआ है अगर, तो इस साइड भी देख लेते हैं -7 करके। तो भैया अगर आप 23 में से -7 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा पी, यानी देखो 23 16 9 2 हो रहा है ना, -7 -7 -7, तो या क्या पी सी ऑप्शन स्टार होना है, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लीजिए, के से डी हुआ -7, तो या इसमें क्या एस से ए हुआ -7, यानी -7 की सीरीज चल रही है, तो प्रो में आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, वंडरफुल शब्द के कितने, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान आपात रहेंगे। तो ये WONDERFUL, वर्णमाला क्रम में लिखना है, तो देखिए लिखते हैं, देखो तो डी ए बी सी तो है नहीं, तो डी से करेंगे, डी ई एफ, एफ के बाद क्या आएगा आपका एल एन ओ आर यू डब्ल्यू। अब देख लो भैया कितने स्थान आपरिवर्तित रहे, बताइए, केवल यू ही तो ऐसा है जिसका स्थान आपरिवर्तित रहा, यू ज्यों के त्यों रहा, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहे, ठीक है, लिखा है एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा, तो भैया सबसे पहले पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम दिशा ए, मान लीजिए इस पॉइंट से चला वो, ये उसका घर है, ठीक है, घर है, यहाँ से वो उत्तर पश्चिम दिशा में चला कितने मीटर, 20 मीटर।
तब वह दक्षिण पश्चिम में जाता है, दक्षिण पश्चिम यानी इन दोनों के बीच यानी इस दिशा में, तो यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम में कौन सी होगी, ये वाली, दक्षिण पश्चिम में 20 मीटर जाता है, फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व में जाता है, दक्षिण पूर्व कहाँ होगा भैया, ए वाली, तो इस साइड गया, कितने मीटर गया, 20 मीटर, 20 मीटर गया, ठीक है। अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है, उसका मकान या घर किधर है, ए है, ये यहाँ पर बना लेते हैं, ए अपने घर की ओर मुड़ा इस साइड, वह आप किस दिशा में जा रहा है भैया, ए उत्तर, ए पूर्व, कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व दिशा, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ए रहा, देखा निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहिया खरीदें, खरात का खाना, मंडी, सब्जियां, रसोईयां, इनको आप क्रम से लगाएं तो क्या भैया, आप सबसे पहले तो मंडी जाएंगे, जाएंगे ना मंडी, जब मंडी जाएंगे तो वहां पर भैया सब्जियां होगी, होंगी कि नहीं, सब्जियां होंगी तो आप उन्हें खरीदेंगे, खरीदेंगे जब खरीद कर घर लाएंगे तो रसोईया को देंगे, ठीक है। रसोईया क्या है, रात का खाना बना देगा आपके लिए, यानी 34, 152 आपका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, मजा आया ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये रहा दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, यह छोटे क्रम में है तो अंतर ले लीजिए, 4, 9 यहाँ पर, 16, 16, 32 और 3, 19 भैया यहाँ पर कितने का, 5 यहाँ, 10 तो भैया कितने का होगा, 15 का, तो आप यहाँ जोड़ेंगे अगर 15, 15, 30 और 4, 34, 34 अगर इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, 5, 4, 9, 69 उत्तर है, नहीं है ना, ये तो लॉजिक इसमें लगना नहीं है। अब लॉजिक क्या लगना है देखिए आप, अगर 3 का गुणा 2 से करें और 1 जोड़ने तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार 7 का गुणा 2 से करेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, आ जाएगा, 16 का गुणा 2 से करेंगे प्लस 3 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, बिल्कुल। अब 35 का गुणा 2 से करेंगे और प्लस 4, 35 दूना 70 और 4 यहाँ पर कितना होगा, 74, अब 74 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 148 में कितना जुड़ेगा, 5 तो कितना आएगा, 153, यानी यहाँ पर क्या भरना है आपको, 74, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये रहा कथन है, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा नौकरी उन्मुख होनी चाहिए, कथन कहा गया है, क्या यह आवश्यक है या क्या यह जरूरी है कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही करनी चाहिए, ये मतलब है कथन का, तो तर्क क्या देंगे आप इसके, देखिए हाँ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को कमाई के लिए तैयार करना है, ऐसा तो भैया कोई बात ही नहीं कि शिक्षा अगर आप करें तो केवल कमाई के लिए ही करें, और कुछ बाहरी ज्ञान के लिए भी तो करते हैं हर लोग थोड़े ना कि शिक्षा के लिए मतलब कमाई के लिए करें, तो भैया पहला वाला तो गलत नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल भैया जो शिक्षा है केवल शिक्षा से क्या ज्ञान अर्जित होना चाहिए, पैसा ऐसा तो भैया अपने आप कमा लेते, क्या जो भैया शिक्षित नहीं होगा क्या वो पैसा नहीं कमा पाएगा क्या, नहीं ऐसी बात तो है नहीं, तो शिक्षा का केवल और केवल मतलब क्या है कि ज्ञान को प्राप्त करना, यानी दूसरा वाला कथन तर्क बिल्कुल ठोस है, यानी तर्क केवल तर्क दो ठोस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये रहा लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो यह के 11, 7, 3 तो यह 11 और 7 से 3 कैसे बनेगा, 11, 7, 18, 18 में अगर 6 का भाग दे देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, 15, 12, 15, 12, 27 और 27 में 9 का भाग लगा देंगे, वहाँ 6 का लगाया तो यहाँ पर 9 का लगा कितने का, 15, 12, 27 3 का लगाएंगे तब 9 आएगा, ठीक है। अभी आपका क्या है 8 और यहाँ क्या ये 4, तो ये 4 कैसे आएगा, 3 का भाग लगाएंगे 4 का, तो ये 16 रखेंगे तो 24 होगा, तो 4 का लगाएं 6 का लगाएंगे तो 4 आएगा, और अगर आप 18 रखते हैं तो 18, 8, 26 ये होगा नहीं, अब भैया ऐसे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, अब लॉजिक क्या लगेगा देखिए, 11, 7, 3 अब 11 और 3 को आप जोड़ेंगे कितना होगा 14, 14 में अगर 2 का भाग दे देंगे क्या आएगा 7, 7 पर क्या होता है जी, इसी बार 15, 12, 9 15 और 9 जोड़ेंगे आप और 2 का भाग दे 15 और 9 कितना होता है 24, 24 में 2 का भाग लगाए कितना आएगा 12, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 8 और 4 8 और 4 कितना होता है 12, 12 बटा 2 यानी 6, 6 पर क्या होता है एफ, एफ आपका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ए रहा
विषम चुनिए, सेब आम अमरूद संतरा, भैया सेब आम अमरूद संतरा, इसमें विषम चुनना है आपको। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका संतरा, क्योंकि संतरा जो है वो जूस निकालने के काम आता है अधिकतर, और बाकी सभी खाने के काम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा ए बराबर एक, ये तो एक पर होता है तो ए बराबर एक लिख दिया। अब कैप का देखेंगे, सी ए पी कैप बराबर लिखा है 60, यानी 3 × 1 = 16, अगर आप इनको जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20 का गुणा 3 से कर दिया तो कितना आएगा 60। ठीक है, अब एन का देखेंगे, एच ई एन तो 8 × 5 = 14, 8 × 5 = 13 और 14 कितना होता है 27, 27 × 3 कितना होगा 81, 3 का गुणा क्यों, क्योंकि तीन लेटर इसमें। अब ए एक पर होता है, ए में ही एक लेटर है तो एक गुणा एक एक ही होगा, 27 × 81 आपका बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, कौन सा आर्यक फुटबॉल खिलाड़ी और मैदान को सही तरीके से, भैया फुटबॉल खिलाड़ी मैदान सब अलग अलग बात है, फुटबॉल खिलाड़ी अलग अलग, तो ये सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, बन जाएगा ना, एक फुटबॉल का, एक खिलाड़ी का, एक मैदान का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको इसको बनाने में, बड़ी आसानी से बना लिया, चीज़ें एकदम चकाचक चल रही हैं ना, मज़ा आ रहा है, तो लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि पी क्यू का भाई है, यदि पी किसका भाई है, क्यू का, क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की बहन है, आर एस का पिता है, आर जो है एस का पिता है, तो एस पी से कैसे संबंध है, एस पी से कैसे संबंध है, ये कैसे बताइए आप, कैसे क्या है, पुत्र भतीजा, भतीजा है या भतीजी है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो आप निर्धारित थोड़ी ना कर सकते, इसका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगर इसका जेंडर क्लियर हो जाता कि ये मेल है या फीमेल तो आप इसको कह सकते थे कि ये भतीजा होगा या भतीजी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, देखिए कथन निष्कर्ष से, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, लीजिए कुछ सेब आपके क्या हो गए, आम हो गए, कोई आम लीची नहीं है, कोई भी आम लीची नहीं है, यानी आम और लीची के बीच क्या है, बाउंड्री क्रॉस, कोई भी इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है, सभी केले लीची है, भैया सभी केले लीची है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं, ये अपना डायग्राम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसको बनाने में, आप सभी को आसानी से बना लिया होगा। ठीक है, अगला क्या है, निष्कर्ष क्या है, पहला कुछ केले आम नहीं है, कुछ केले आम नहीं है, आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आम और लीची के बारे में बना हुआ है, केले के बारे में बना, ये एक संभावना हो रही है, और संभावना की स्थिति आप हमेशा क्या करेंगे, गलत। इसका मतलब क्या हो रहा है आप, कि कुछ केले आम नहीं है, तो मतलब अगर आप इसको सही करते हैं तो उसका एक और निष्कर्ष निकलेगा कि या कुछ केले आम हैं, एक निष्कर्ष ये भी तो बनेगा कि या कुछ केले आम हैं, तो यह ना तो कुछ केले आम है ना कुछ केले आम नहीं है, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा क्या होगा, गलत। सभी लीची सेब हैं, लीची और सेब का कोई संपर्क नहीं, गलत। कुछ लीची आम है, कुछ लीची आम है, तो यह कोई गलत, ये भी गलत, कोई संपर्क नहीं। कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, हाँ देखो ए वाला पार्ट देखिए आप, जो मैं पूरा भर रहा हूँ इसको देखिए, ए वाला पार्ट ए है ना, तो आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल और केवल निष्कर्ष 4 सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो भैया त्रिभुज गिनना है, गिनिए आप सब मेरे साथ, तो देखो 1 2 तो 3 इससे निकलेंगे आपको, सेम इसी तरह यहाँ देखो 1 2 तो 3 इससे निकलेंगे, और 1 ए बड़ा वाला तो 1 ए हो गया आपका, और 1 2 3 4 आपके ए हो गए, 4 ए हो गए। अब जोड़िए इनको, 4 3 7 1 10 11, 11 तो ऑप्शन नहीं है, अभी और बन रहा होगा कोई त्रिभुज, देखिए आप ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज और, एक यहाँ से ए वाला, ठीक है, एक त्रिभुज आपका ए जुड़ गया, तो कितना होगा, 12 त्रिभुज इस आकृति में है, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा, केवल और केवल कितने त्रिभुज हैं, 12। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, ए रहा, देखिए दी गई आकृतियों में से उस में से उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, भैया ए वाली आकृति आपको देखनी है किसमें निहित है, यानी ऋषि वाले की है, तो ये इसमें देखेंगे आप,
तो इसमें भैया उल्टी बनी है ये तो होगी नहीं, ठीक है। दूसरी आकृति ए हो गई, देखो यानी दूसरी वाली आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, दूसरी वाली आकृति आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं अब होमवर्क वाले प्रश्न के लिए, ये रहा आपके होमवर्क का प्रश्न, इसका आंसर आप कमेंट में करें, वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। और अपने साथियों को भी बोलें इसे सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।